नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्का की राबड़ी। और मक्के की राबड़ी बनाने के लिए यहाँ एक कटोरी मैंने मक्के का दलिया लिया है। ये हमारी मोटी मोटी मक्का पिसी हुई है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा बारीक है। तो ये एक कटोरी मैंने यहाँ मक्के का दलिया लिया है। एक कटोरी यहाँ मैंने ताज़ा छाछ ली है, ये दही नहीं है। दही को मैंने फेंट कर पानी डालकर छाछ बनाया है। तो एक कटोरी यहाँ हमारी ताज़ा छाछ है, ये नमक है तो, और ये पानी है हमारी राबड़ी के अंदर डालने के लिए। तो यहाँ मैं एक भूनी लूँगी और इसके अंदर मक्के का दलिया डाल दूँगी। अब हम इसी कटोरी से नाप कर पानी डालेंगे। तो 5 कटोरियाँ मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी ताकि सारी मक्का अच्छे से घुल जाए। घोलने के बाद जो मक्का के छिलके ऊपर आ जाते हैं हम उसे निकाल लेंगे। तो एक छलनी लेंगे और छलनी से सारे छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने हमारे सारे छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इसमें छाछ डाल दूँगी और छाछ डाल के इसे हिला लेंगे। और अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और इसे चलाते हुए हम एक उबाल आने तक चलाएंगे। ये देखिए, हमारी राबड़ी में अच्छे से उबाल आ गया है और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। यहाँ 1 चम्मच में इसमें नमक डाल दूंगी। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ इसमें नमक डाल दिया। अब गैस हम मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पर इसे पकने देंगे अच्छे से। आप इसे पकने दीजिए और बीच बीच में इसे हिलाते रहिए ताकि ये नीचे ना चिपके। आप गैस मीडियम कर दीजिए और इसे बीच बीच में हिलाते रहिए वरना ये नीचे चिपक जाएगी। ये देखिए, हमारी राबड़ी को अब हम अच्छे से घुल गई है। तो गैस बिल्कुल सिम कर देंगे और इसे ढककर अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, मैंने सिम गैस पे इसे 15 मिनट तक ढककर पका लिया है। ये देखिए, एकदम पककर तैयार हो गई है। हम थोड़ी सी मक्का की दलिया लेंगे थोड़ा सा, और दलिया लेकर हम इसे दबा कर देख लेंगे। ये देखिए, अच्छे से दब गया है। तो अब मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और इसे उतार लूँगी। ये देखिए, हमारी मक्के की राबड़ी बनकर एकदम तैयार है। आप इसे गरम खाना चाहे तो दूध के साथ खा सकते हैं, और आप इसे ठंडी करके छाछ के साथ खाइए। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।